परमेश्वर गजब महान है, बाको शक्ति और शक्ति से जद्दा महान है। वो आकाश में भय और पृथ्वी में भय सब चीज के बनाई है। जब हम परमेश्वर के बनाई भई चीज के देखते हैं, जे अचम्भों के हैं। परमेश्वर के बनाई भई सब चीज अच्छे रहे। सब चीज परमेश्वर के महानता से, सुंदरता से और शक्ति से प्रकट भाव है। परमेश्वर सब किस्म के रुख बरिक और प्राणीन के बनाई, तो फिर मट्टी से आदमी के बनाई, और वो बाको नाक में सांस फूंक दई और जीवन दई दई, जा पहलो आदमी से आदम कहात रहें। बासे पिछु परमेश्वर आदम को एक करंग निकार के बासे एक बैयर बनाई, तो बाके आदमी की बैयर ओन के ताही दई दई, बासे हब्बा कहात रहें। परमेश्वर संग आनंद से रहन ताही ढिंगे को संबंध होए कहके आदमी के अपनी स्वरूप में बनाई। अदन कहन बारो बगिया में बे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से बैठे रहे, हुआ कोई दुख और मरण ना रहे। परमेश्वर आदम से कही एक बाहेक बगिया के सबै फरा खाए से हुई जय है। यदि तय बोरुखा की फरा खाए है तो तय मरेगो, पर एक दिन शैतान अब्बा की परीक्षा करी, तो वो बह रुखा की फरा तोड़ के खाई और अपन लोगा के फिर दई। बे प्रभु से जद्दा शैतान ऊपर विश्वास करिक मारे बे उइसो करी। वो समय से बिनकी और परमेश्वर की संबंध टूटी गौ, काहे की पवित्र परमेश्वर के आगु पापी आदमी ना बैठ पात हैं। बहक मारे परमेश्वर बिनके अदन की बगिया से निकार दई। परमेश्वर ऊपर आज्ञाकारी ना बहक मारे जा दुख भोगन पड़ो, तभी मारे आदम और हवा और बिन की संतान मरण और दुख सहन पड़ो। पर परमेश्वर करुणा में है, वो मानव जाति के प्रेम करते रहो, वो आदमी संग संगति करके बैठन ताही घूम के आन डगर तैयार करी। परमेश्वर मनई के दंड से बचान, पाप और शरम हटान और बिन से संगति शुरू करन ताही योजना प्रकट करी रहे। अगम वक्ता अब्राम के जा योजना दिखाई दई। अब्राहम परमेश्वर में भरोसा करी और आदर करी। परमेश्वर बिन से सब जाति के आदमिक और उनके आशीष देन प्रतिज्ञा करी। परमेश्वर अब्राहम के समुद्र के बालू और आकाश के तारा से जद्दा संतान देन प्रतिज्ञा करी। अब्राहम परमेश्वर में विश्वास करी, वह विश्वास से बाके परमेश्वर धर्मी ठहराई। एक दिन परमेश्वर अब्राहम बिनकी ऊपर भरोसा और आज्ञा पालन करते कि ना करते कहके अब्राहम की जांच करी। अपन लौड़ा ले जा और बलि चढ़ा कहके परमेश्वर अब्राहम से कही। वह एक लौड़ा से तमाम संतान ही है कहके परमेश्वर के दो वो आज्ञा अब्राहम के पता होए से फिर वो में भरोसा करी और आज्ञाकारी भव। बक पाछू अपन लौड़ा के मार के बलिदान चढ़ान के ताही तैयार करी। पर परमेश्वर कही अब्राहम बोलौड़ा के कुछ खराबी मत करे, मैं जानता हूँ कि तय मोसे डरात है और मेरा आज्ञा माननता ही तैयार होता है। तो अब्राहम एक भेड़ा के देखी बक सिंह हंगा में अटक के बैठो रहे। अब्राहम जाए के वो भेड़ा के लाई और बिन की लौड़ा के बदला में बाके होम बलि करी। जब परमेश्वर अब्राहम की लौड़ा के बदला में भेड़ा के बलि देन जुराई दई, तो बे आदमी ऊपर बड़ो प्रेम दिखाई। बक प्रेम एक अच्छो दौआ अपन लौड़ा ऊपर दिखाओ जैसो रहे। जा घटना से आदमीन के ताही बलि होन के एक थुमा मिलाई देन योजना जनात है। परमेश्वर अब्राहम की संतान के सट्टा में एक पाप ना भो आदमी मरेगो और पाप और शरम हट जाए कहके अगम वक्ता से बताई रहे।
जा महान बलिदान से परमेश्वर संग संगति में रहन ताही जौन उनकी ऊपर विश्वास करता है वे उनके ताही डगर खोलेगो। अगम वक्ता जा आदमी के मसीह कही आदमी के बचान और परमेश्वर के नाव में शासन करन परमेश्वर मसीह के पठावेगो कही के कही। तमाम वर्ष पाछू बो आओ अगम वक्ता मसीह करण बारो काम के बारे में बताई रहे और उसे हुई गौ। परमेश्वर मसीह के ऐसो घोषणा करिया है कि तय मेरो लौड़ा है कई के अगम वक्ता दाऊद कही रहे मसीह को परमेश्वर संग ढिंगई को संबंध की बारे में वर्णन करन ताही अगम वक्ता उनके परमेश्वर को लौड़ा कह के कही रहे। ऐसा अगम वक्ता कही एक कन्या गर्भवती होवेगी और वो एक लौड़ा जन्मय है उनको लौड़ा अनंत परमेश्वर की वचन है जौन परमेश्वर संसार के दिखात है। अगम वक्ता मसीह बेतले में जन्मे गो कह के कही रहे और वो एरुसलम में राजा जैसो भीतर आवे गो। वे ऐसो फिर लिखी कि बक ढिंगे संगी चांदी की 30 टुकड़ा सिक्का में धोखा देवे गो। अगम वक्ता कही रहे कि मसीह अपन प्राण बलि देवे गो पर परमेश्वर बाके मरोभव में से तीसरो दिन में जिंदा बनावे गो। अगम वक्ता मसीह के आदमी की लौड़ा कह के कही तो वो परमेश्वर की सामने भीतर आवे गो और सदामान के ताही सारा जातिन के ऊपर अधिकार करन परमेश्वर सौंपे गो कह के बे कही। दुई हजार वर्ष आगू एक जनी आदमी बैठत रहे जौन की नाव येशु रहे का अगम वक्ता मसीह की बारे में कही जैसो बाको जीवन में पूरो भाव धर्मशास्त्र में लिखो जैसो जा फिल्म में येशु कौन है और बक करो और कहो कुछ बात दिखावेगो। जा फिल्म में एक जनी येशु की भूमिका करेगो वहाँ वो करण योग्य की कोई फिर ना रहे पर येशु ख्रिस्त की जीवन के बारे में मनाई जाने और समखें कह के जा फिल्म तैयार करी है तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा करो भव आशीष पा सकथौ। हे प्रिय थियोफिलुस जो कुछ हमरे बीच में भव है वह के बारे में लिखत हूँ कि जो सच है बाकी तय जान ले। जब अगस्तुस कैसर रोम साम्राज्य को राजा रहे और हेरोदेस यहूदियन को राजा रहे तो परमेश्वर जिब्राइल नाव को एक स्वरदूत के नासरत नाव को एक शहर में एक कुंवारी ठीन पठाई बक नाव मरियम रहे। मरियम ते रावय जिन तेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा है तय गर्भवती होवेगी और एक लौड़क जलमय है बाको नाव तय यीशु धरिए। या कैसे हुई जय है मैं कुआरी हूँ। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आए है जो पवित्र बच्चा है वो परम प्रधान को लौड़ा कहलावेगो बाको राज्य कबहू खत्म ना हुई है। तो मरियम अपने नातेदार एलिसबा के घर गई बाके घर यहूदी सहरम है एलिसबा बहु अचंभे तरीका से गर्भवती भई। एलिसबा दीदी मरियम ललो मरियम लौड़ियन में ता अच्छी है जो बच्चा जन्मा है वो धन्य है। जब मैं तेरे प्यार भरो बात सुनो मेरे गर्भ को बच्चा खुशी से उछला पड़ो। मेरे प्राण प्रभु की बढ़ाई करत है मेरे आत्मा उद्धार करन वाले परमेश्वर से खुश हुई गो। अब से सब पीढ़ी के आदमी मौके धन्य कहे हैं। हे नासरत के सब आदमी अगस्तुस कैसर के आदेश के अनुसार गलील और यहूदिया के आसपास सब गांव में जनगणना हो गई गो। सब आदमी अपन अपन गांव में जाए अपने अपने नाम लिखवाए ले। हे
मरियम अपने लोगा यूसुफ के संग यहूदा के बेतलहम नगर में नाव लिखवान गई। तो बिनके हुआ रहन ताहि कोई जगह ना मिलो, जो जगह बेपाई वो सार रहे। तो बहे समय वो इलाकम कुछ गड़रिया अपनी भेड़ी रातम लखवारी करत रहे, तो एक स्वर्गदूत बिनके दिखाई दई और प्रभु की महिमा उनके घेर ले। आज दाऊद के गांव में तुम्हार उद्धार करता प्रभु मसीह पैदा हुई गौ है। गडरिया नया बच्चा देखन ताही जो डोणम लेटोर है दौरे, बे ही उद्धार करता और कुंवारी अय्या के बारे में सुसमाचार सुनन लगे। एक हफ्ते पिछू जब बच्चक खतना करन को समय आई गो, तो यूसुफ और मरियम बा को नाव यीशु धरी और परमेश्वर के देन ताही यरूशलेम गए। मंदिर में सिमोन नाव को एक अच्छो भक्ता रहे, पवित्र आत्मा बा से कही कि जब तक वो मसीह के ना देख लेवे तब तक ना मरेगी। हे स्वामी, अब तक अपने दास को अपने वचन अनुसार शांति से विदा करता है। मेरे आँखी तेरे उद्धार के देख ली है और जा परमेश्वर को चुनो भाव है, तुम दोनों धन्य हो। जब भी मूसा के सब रीति रिवाज पूरो कर डारी, वे यरूशलेम छोड़ के नासरत आई गए। जब यीशु 12 साल हुई गर है, तो यूसुफ और मरियम बाके यरूशलेम में फंसा हटकना खान ताही ले गए। जब वे घरे लौटे तो समखी की लोमड़ा संग है पर वो हुई रही गो। फिर वे बाके ढूंढन ताही देश में गए और 3 दिन के बाद वो शिक्षा देने वालन के बीचम बैठो मिलो। जा कौनक बच्चे ऐसो सवाल पूछत है? वो नासरत को है, हम समखे हमर संग आई गो, जे कुत्सा के ताही माफ करियो। जोन बकबात सुनो हक्का चक्का हुई गए। भैया ऐसे काहे करो, तेरे दौआ और मैं बैठम चिंता करके तो के ढूंढत रहन। तुम काहे मौके ढूंढत हो, का तुम ना जानत हो कि मैं पिता के काम में लगो। हाँ वो बिनके संग नासरत में आई गो और बुद्धि और अच्छे से परमेश्वर और आदमी के अनुग्रह में बढ़ी गो। तिब्रियस कैसर के राजक 15वीं सालम जब पंतियस पिलातुस यहूदी हाकिम रहे, गलील में हेरोदेस राजा रहे, हन्ना और कैफा महापुजारी रहे, तो परमेश्वर को वचन बन में यूहन्ना ठीन आओ और वो यरदन नदी आसपास के सब देशम पाप की क्षमताही मन फिराओ बपतिस्मा को प्रचार करन लगो। अपन पापस मन फिराओ और बपतिस्मा लेवो, परमेश्वर तुम्हारे पापक क्षमा करेगो। जैसे कि यशाया नबी के किताबम लिखो है कि वन में कोई चिल्लात है कि प्रभु ताही डगर तैयार करो, बाके जानक ताही डगर सूध करो और हर एक गड्ढा भरन हुई है, हर एक पहाड़ चुटिया तरे गिर जाए हैं, जो डगर टेढ़ी है सूद करो
और खल्ला डंगा बराबर होवे तो सब आदमी परमेश्वर के उद्धारक देखेंगे। हम का करें? हाँ बता, हम का करें? तुम सांप के बच्चा, हम का करें तो चाहत है मदद कर, हम किता घूमे बता। जौनक ठीन दुई कुर्ता है वो बाके देवे की जौनक एक आओ नाय है, जौनक ठीन खानू है दूसरन के बाटे। गुरुजी हम चुंगी लेन वाले, हम का करें? जो नियम है बस ज्यादा जिन लियाओ। और हमर का हुई है, हम का करें? कोई से रुपया जबरन जिन लियाओ, कोई झूठो दोस्त जिन लगाओ, अपनी कमाई पर सहमत रहियो। बता काता है मसीह है? मैं पानी से बपतिस्मा देत हूँ, जो आन वारो है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं जूता खोलन लायक ना हूँ, वो तुमके पवित्र आत्मा और आगी से बपतिस्मा दे है। सूपो बक हाथम है, वो अपनो खेत सफा करेगो और दाना अपने बखारे में इकट्ठा कर है। और पवित्र आत्मा यीशुक ऊपर कबूतर के हानि उतरो। तो स्वर्ग से आवाज आओ कि तय मेरो प्रिय लुंगड़ा है, तो से मैं बेढम खुश हूं। जब यीशु काम करन शुरू करी वो 30 सालक भौर है, वो यरदन से पवित्र आत्मा से भर के आओ और आत्मा बाके एक वन में पठाई, हुआ भूत 40 दिन बाके परीक्षा करी, पूरे समय में वो कछु ना खाई रहे। और भूतवा से कही, अगर तय परमेश्वर को लंगड़ा है तो जा पत्थर के रोटी बना दे। लिखो है, आदमी खाली रोटी सुना है, प्रभु सब वचन से जिंदा रहा था। भूत बाके पहाड़ के ऊपर लेगो और एक घड़ी में दुनिया के सब राज दिखाई। मैं जे सब महिमा धन तोके दे दे हूँ, जा सब मोके दो गौ है, जौनक मैं चाहे बाके मैं दे सकत हूँ। जा सब तेरो ही है, अगर तै मोके प्रणाम करेगो। लिखो है तै अपने प्रभु परमेश्वर प्रणाम कर और खाली बह की उपासना कर। और भूत बाके यरूशलेम लेगो और मंदिर की सबसे ऊपर चुटियम ठड़वाई। अगर तय प्रभु को लंगड़ा है तो तय हिंस गिर जा। बाइबल बताता है कि परमेश्वर तो के समारण ताही अपने दूतक उठाए है, जहूं बताता है वे अपने हाथ से उठाए है और तेरे टांगम पत्थर चोटना लगे है। बाइबल बताता है अपन प्रभु परमेश्वर परीक्षा मत कराए।
और जहां वो पालो गौ रहे नासरत में आई गो। कैसो? ठीक हाँ। और अपने रिवाज के अनुसार प्रार्थना घर में गाओ। और यशाया नबी किताब पढ़नक ताही बुलाओ गो रहे। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, गरीबन के सुसमाचार सुनान ताही मोके चुन लई, और बंधे आदमिन के छुड़ान अंधरन के आंखी देन सुसमाचार सुनान मोके पठाई है, और कुचले भय आदमिन के छुड़ान, और बतानक समय आई गयो है प्रभु अपन आदमिन के बचय है। बहुत ठीक कहा था है। जा लिखी हुई बात तुमरे सामने आज पूरी हुई गई, जैसे तुम सुने वचन पूरा हुई गो। खाली मसीह वो बात तक पूरा कर सकता है। हम कैसे जानेंगे? जा सत है तुम एक कहावत बताओगे, डॉक्टर पहले तो अपना ठीक हो। तुम जहूं बताओगे जो काम तय कफरनहूम में करो वो सब काम तय अपने शहरम कर। मैं जहूं बताता हूँ कोई नबी अपने देश में इज्जत ना पात है। जहे बातम यीशु अपने आप के मसीह यानी प्रभु को चुनो भजन जो अपने आदमिन के उद्धार करते हैं बताई है। देवक पहाड़ के चुटिये से गिरा देवैया रहे वो भीड़ के बीच से निकली गो और अपन डगर चलो गो। और गलील के कफरनहूम देश में आई गो। वो देशम रोमी आदमी जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए और तमाम आदमी मसीह के ताहीं इंतजार करते रहे कि वो आए के छुड़ावे। तो के आराम मिले रोजी तो हुक मिले। मैं तिर नैयम आ जाऊं सिमोन। हाँ आ जा। बोनाए जे है कि ना? हमें बता, हमें बता, हमें बता। यीशु हमसे कहा दुई आदमी मंदिर में प्रार्थना करनता ही जात रहे, एक फरीसी रहे और एक चुंगी लेन वालो। फरीसी अकेलो ठाड़ो और प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं तो के धन्यवाद देता हूँ कि मैं आदमी हानी लालची अन्याय करने वालो और छिनरा नैया। मैं जा चुंगी लेन वालो हानी नाय हूँ। सात दिन में दुई दिन बरत रहा था, मैं अपनी कमाई से तो के दशमांश देता हूँ। वो चुंगी लेन वालो अपन मूल ऊपर तक ना उठाई और दूरे ठाड़ो रहो। अपन छाती पीट पीटक कही, हे प्रभु मुख पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहत हूँ फ्रीसी ना चुंगी लेन वालो प्रभु में धर्मी मन के घरे चलो गो। जौन अपने बड़ो बनाबई गो वो छोटो ही है, जौन अपने छोटो बने है वो बड़ो ही है। अपन किश्ती का और गहरे पानी में ले चल, तय और त्रिसंगी मछरिकता ही जार डारो। हे गुरुजी हम रात भर जार डारे एक न पाए।
अगर तय कह है तो मैं जा डरे हूँ। याकूब, यहुन्ना, याकूब, यहुन्ना, इतना अपन नहीं आ लिया बो, हमर मदद करो, हम लिया। ना करेंगे, हमर हाथ भरी गो। हुई गो, हुई गो। हियस चलो जा प्रभु, मैं पापी हूँ। तय मत डरा है, अब से तय आदमी पकड़ाई गो। मेरे जौड़े आ जाओ, मेरे बात सुनो, तो तुम जीवन पे हो। जब प्रभु मिलत है तो बग ढूंढत रहो, जब ढिंगई है तब चिल्लाओ। दुष्ट अपन डगर छोड़ दें, अधर्मी अपन सोच छोड़ दें, और प्रभु एक ढिंगई आमे। वो बिन के पर दया कर है, प्रभु बिन के पाप सब क्षमा कर है। तुम खुशी के संग निकलोगे, आरामस पहुँचाए जय हो। देख वो आएगा, वो हिया है। यीशु, यीशु, बिनती करा था हम लोरी बचाए ले, दया कर। वो 12 सालक है, वो मरद है, मेरे संग आओ। यार मैं दुखी हूँ। यीशु, तेरी लौंडिया मरी गई, गुरुजी को परेशान मत कराए। तजिंद रावे, सिर्फ विश्वास कर, वो अच्छी विजय है। तुम मत रो बो, वो ना मरी है, खाली सोत है। लालो, उठी जा। जब खानक कछ देव, मैं कहा था जाबा तक कोई मत बताइए। जाके पिछू वो एक मत्ती नाव को चुंगी लेने वालों भंसारम बैठो देखो। मेरे पिछू आ,
यीशु प्रार्थना करम ताही पहाड़म गो और पूरी रात प्रभु से प्रार्थना करत रहो। और दिन नुकरो वो 12 आदमीन के बुलाई उनको नौ चेला धरी। सिमोन जोनक नौ पत्रस धरी। अंद्रियास बगभैया और याकूब। और यूहन्ना फिलिप्पुस और बर्तुलमै और मत्ती थोमा हल्फई को लौंडा याकूब सिमोन जौनक जेलोतस कहत हैं और याकूब को लौंडा यहूदा यहूदा इस्करियोती बग पकड़वान वालों बनो। धन्य हो तुम जो गरीब हो प्रभु को राज तुम्हारुए है। धन्य हो तुम जो अभय भूखे हो घाय जाओगे। धन्य हो तुम जो अभय रोत हो तुम हंसोगे। धन्य हो तुम आदमी तुम्हार विरोध करते हैं निकार देते हैं और सतात हैं आदमी के लौड़क कारण तुम्हारा नाव खराब कहत हैं। तुम खुशी ही के खूब नाचाओ स्वर्गम तुम्हार ताही बड़ो इनाम है बिनके पुरखौ नबी आदमी के उसी करी रहें। सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस मिर्जा ने इतके हैं का कहा तिरठीन इतके है। हाय तुम जो अभय सेठ हो तुम खुशी के जीवन जी डारे। जा सेठ बनना ना चाहत है जा सईदा है। हाय तुम जो अभय हसत हो तुम समखोगे और रोबोगे। हाय तुम पर जो आदमी तुम्हें भलो कहें उनके पुरखों ठगिया नबीन के संगम ऐसी कहत रहें। मैं तुमसे कहत हूँ अपन दुश्मन से प्यार करो जो तुस दुश्मनी करत है वक भलाई कर जो तुक गारी देवे वक आशीष दे जो तुक अच्छो नाय मानत है वक ताही प्रार्थना कर। चौन तू केक झापड़ मारा है बघन दूसरों गाल रोक दे। जौन तिर सदरी छीना है बग कुर्ता दे दे। जौन तुस मांगत है बग जरूर दिए। जौन तुस छीन लेवा है बस फिर तय जिन मंगिए। जैसे ते चाहत है आदमी तो से व्यवहार करें उसी तहु करिए। अगर तुम प्यार करन वालन से प्यार करत हो तो तुम्हार का लाभ है। पापियो ता प्यार करन वालन से प्यार करत हैं। अगर तुम भलाई करन वालन से भलाई करत हो तो तुम्हार का लाभ है। पापियो ऐसी करत हैं जा कैसे बक छुई दई जा बस कैसे बतकाय लई जा हुई है ना
नाय अपन दुश्मन से प्यार करो, बिनके भलाई करो, उधार देव तो उसे मत लेओ, तो तुम बड़ो इनाम पाओगे और तुम परम प्रधान प्रभु लौड़ा होगे। वो चतुरा और बुरे आदमी ताही भलो है, तुम दयालु बनाओ जैसे तुम्हार दौआ दयालु है। हमें बचा यीशु। दूसरे ने ऊपर पाप तुम जिन लगाओ, तुम हुक नाय लग है, दूसरे ने पापी जिन कहावाओ, तुम हुस नाय कहे हैं, क्षमा करो तो क्षमा पे हो। अपन डगरम हमें ले चल प्रभु। दे तो हुक दो जय है, जैसी तय नापत है उसी तेरह नापो जय है। एक अंधरा दूसरे अंधरक ना ले जाए पै है, अगर ले जाए है तो दोनों गड्ढम गिरहाएं। तय काहे अपन भैये का आँखिम तिनका देखत है, पहले तय अपनी आँखिम लट्ठा देख। हे गुरुजी हमें चला। प्रभु हमें तुक जरूरत है। अच्छी है त्रैया तो के जलमाई और पाली। जैसे अच्छे बे हैं जो प्रभु वचन सुनत और मानत। मैं जा आदमी जानन चाहत हूँ। तेका जानत है जब मसीह है। जा फरीसी यीशु खानु खान ताही बुलाई रहे और यीशु बग घर जाए के खानक बैठी गो। बच्चा हिया चले जाबो, मेर सुने जाओ, ये बच्चा बदमाशी करता है। जा हिया का करता है। मैं का जाना। आदमी नबी हुई तो ताजा जरूर जंतु जान बक छुआत है जा कैसी है। वो जरूर जन है कैसे पापी जीवन जियत है। सिमोन मैं जानत हूँ जा कैसी बैयर है। मैं तो के कुछ बतामाऊ, दुई आदमी एक महाजन से कर्जा ले रहा है, एक 500 चांदी रुपये, दूसरों 50 चांदी रुपये, दोनों कर्जा निभट ना पाई, तो वो दोनों कर्जा माफ करी, तो कौन ज्यादा प्यार करी हुई है। मैं समखा था जो उन्हें ज्यादा माफ करी वो ज्यादा प्यार कर है। ठीक कहो। जा भैया देखा था है। मैं तेरे घर आओ, तय मुख पानी ना दो, फिर जा अपन आसुस मेरे पांव धोई और अपन बारस पांव पोछी, तय मुख प्यारस ना बैठाओ, जब से मैं आओ जा मेरे पांव के चुमन ना छोड़ी, तय मुख मुड़म तेल लगान तक ना दो, फिर जा महकुआ तेलस मेर पांव धोई। मैं तुझ कहा था जा बेडम प्यार दिखाई, तो दर्शात है जग बेडम पाप माफ हुई गए, जो न कम पाप माफ होत है वो कमे प्यार दिखात है। तेर पाप क्षमा हुई गए। वो प्रभु निंदा करत हूं तो कैसे कह सकत वो पर कौन विश्वास। तेर विश्वास तो के उद्धार करी, खुशी से जा। राज को सुसमाचार सुना सुनाती यीशु घूमत रहो और 12 चेला बक्संग रहे, जौन भैये ने भूत छुटकारा पाए, बेहू संग गई मरियम मगदलीनी, चूजास जौन हेरोदेशक दरबारम चौकीदार रहे, बग भैयर योन्ना और सुसन्ना,
हेरोदेस गलीलक राजा रहे वो यूहन्ना के जेलम डार दई जाके मारे की यूहन्ना बक दोष लगाई कि वो अपन लोहरिस ब्याह कर ले रहे। हाँ हाँ, जब अमनाइन नामक गांव में आए गए तो एक मरहक ले जात रहे जो मरो एक विधवक लौड़ा रहे। जब यीशु बक देखी बक भेड़म तरस आए गौ, वो खटियक छुई और कही, जमान मैं कहा था उठ, फिर मरो उठी गौ और यीशु बक कैयक हाथम सौंप दे रहे। बस पूछी आओ बोल का तय बहे आन वालो रहे जो यूहन्ना बताई कि हम दूसरे आसरा देखें। गुरुजी, गुरुजी, यूहन्ना हमके पूछन फठाई का तय बहे आन वालो है कि हम दूसरे का आसरा देखें। तुम जाए बताबो का तुम देखे और सुने। अंधरा देखत हैं, लंगड़ा चलत हैं, धन है जौन मेरे ऊपर शंका नाय करत हैं। तुम मुख उठाओ, मेरे कंधा में आओ, देख लेते हैं। हाँ, मैं यीशु को देख सकता हूँ। एक बीज बोन वालो बीज बोन गाओ, बीज बोत रहे कुछ बीज डगरम गिरे और आदमी बिन के ऊपर नेंग दई और चिड़ैया बक चुग दई और कुछ पत्थर वाली जमीनम गिरे, जब पेड़ जमे ओद ना मिलो और सूख गए। कुछ बीज जंगलम गिरे, जंगला पेड़ संग बढ़ो बग दबाए डारी और कुछ बीज अच्छी जमीनम गिरे और पेड़ अच्छे से बढ़ी गए, फिर 100 गुना फरे। गुरु जी, कहानी लेके तय काहे खात है जब भीड़ होत है तो? प्रभु राज के बारे में ज्ञान तुम्हें दौ गौ है, पर इनके कहानी से मालूम होत जक मारे जो देखी बे समझ ना पाई, जो सुनी बे समझ ना पाई। मेरी कहानी का अर्थ जा है जो बीज वो प्रभु को वचन है, जो उन बीज डगरम गिरे खाली सुनन वाले हैं, भूत बिन के मन से वचन छीन ले जात है, जग मारे की वे विश्वास ना करें और उद्धार ना पावें। जौन बीज पत्थर वाली जमीन में गिरे बे वो हैं जो वचन सुनत और जल्दी लालच में पड़ जात, बिन के जर मजबूत ना होत, बे थोड़ी दिन तक विश्वास करत हैं, जब आफत आत है बे पच्छू हट जात हैं। जौन बीज जंगलम गिरे बे सुनन वाले हैं, पर दुनिया की चिंता धन और लालच की बात बिन के भुलाए देत है, बे कबहू ना फरत हैं। जौन बीज अच्छी जमीनम गिरे बे वो आदमी हैं जो वचन सुनत और अपन अच्छे मन में धरत हैं और फरन समय तक बे थामे रहत हैं। कोई दिया जलाए के ढकना से नाय ढांपत और खटियक तरे नाय धरत, बलकुन बक उठाए के ऊपर धरत हैं ताकि जौन कोई भीतर आवे बिन के उजियारो मिलाए। जो कोई भीतर की छिपी बात हैं बे बाहर करी जे हैं, जो कोई बात बंद हैं बे खुली जे हैं। तुम कैसे सुनथो होशियार रहियो, जौनक ठीन है बाके और दो जे है, जौनक ठीन ना है बासे बहु ले लो जे है जो वो समकत मिर ठीन है। गुरु जी, तुरैया और भैया हुआ ठाड़े हैं, तुस मिलन चाहत हैं। मिरैया और भैया बे ही हैं जौन प्रभु वचन सुनत और बाके मानत हैं।
एक दिन यीशु अपन चेलन के संग नाव में बैठी गौ और बिन से कही कि आवो हम नदी एक पार चलें। जब नाव जाल लगी तो यीशु सोई गौ। झापत है, हम डूब जाए हैं, गुरुजी बचा ले। अब हम बच जाएंगे। तुम्हार विश्वास कहाँ है? तो बे नदी एक पार गदरहा नाव गांव चले गए जो गलीलक वो पार है। मुस्का चाहता है, मैं विनती करता हूँ मुझसे जा जिंदी है। तेरा नाव का है? सेना प्रभु विनती करता हूँ हमके नरकम जिन पठाइए, हमके वो सोरग झूड़म पठा दे। और भूत आदमी से निकल लौटिया सोरग झुंडम गई भाव। ये से निकल जा, ते मंत्र वालो है हमके छोड़ दे। ये से चलो जा, ते हमके छोड़ दे। ये से चलो जा, जाता जाता है हुआ महू जामंगो मोके अपने संग जान दे। घरे लौट जा, जो प्रभु तिरता ही करी वो बता। यीशु और बकचेला चुप्पैस बतसाइदा गांव चले गए। पर भीड़ जान गई और बग पच्छू पच्छू चली गई। दोपहरम थोड़ी देरम पत्रस कही, गुरु जी
लोगन के पठाए दे कि वे खाना को रहन ताही ढिंगी गांव में जाए जुगाड़ कर ले। जाता सुनी जगह है। तुम ही बिन के खाना ताही कुछ दे बाओ। यहाँ खाली 5 रोटी और 2 मछली हैं प्रभु जी। धन है तैमीर प्रभु परमेश्वर सारी सृष्टि को राजा जो धरती खान उलात है। जाता अचंभो है, विश्वास ना कर पाए है। लोग मेरे बारे में का कहत हैं? कोई कहत यूहन्ना बपतिस्मा वालो है, कोई कहत है तय एलिया है, कोई कहत है तय पुराने जमाने के नबी है जो दूसरायक जलमो। तुम का कहत हो? मैं कौन हूँ? तय परमेश्वर के मसीह है। तय कोई मत बताइए, मनुष्य को लौंडा दुख उठा है और आदमी वक इनकार कर हैं, वो मारो जय है फिर 3 दिन पिछू जिंदा हुई जय है। का तुम में से कोई मेरे संग आया है? गुरु जी मैं त्रिपच्छू जय हूँ। पहले मैं अपन घरवालों से पूछा माँ। जौन कोई ज्योत पेती पच्छू घूमक देखत है वो प्रभु राज के योग ना आए है। जौन मेरे पिछू आन चाहत है वो अपने से इनकार कराए, अपन क्रूस लेके रोज मेरे पिछू चलाए। जौन अपन जान के बचात हैं बेखोत हैं, जौन कोई मेरे ताही अपन जान खोत हैं बेबचात हैं। अगर आदमी पूरी दुनिया को ले लें और अपन आत्मा खोए दें तो का फायदा? कोई आदमी मेरा और मेरे शिक्षक बारे में शर्मात है तो मनुष्य को लौड़ा अपन महिमम और पिता के महिमम स्वर्दूतक संगय है तो बहु बेढम शर्मा बई गो। मैं तुमसे कहत हूँ यहाँ कोई है जब तक प्रभु के राज के नाय दिखे तब तक नाय मरई गो। यीशु पतरस और योहन्ना याकूब के पहाड़म प्रार्थना करन ताहीं ले गो।
जब वो प्रार्थना करत रहे तब बग सकल बदल गई और बग कुर्ता से तो चट चमकन लगो। तुरंत दुई आदमी मूसा और एलिया जो स्वर्ग की महिमस दिखाई दे रहे बस मस्की। तय प्रभु की इच्छा पूरी करे है। तय यरूशलेम में मरेगो। जब वे निकरत रहे पतरस यीशु कही, गुरु जी कितो बढ़िया है कि हम हियाँ हैं। हम तीन तंबू डार हैं, एक तीर्थाही, एक मूसकताही। जब पतरस मस्की एक एलियक तो एक बादर आए पिन के घेर ली और चेला बेढम डराए गए और बादर से एक आवाज सुनाई दई कि जा मेर प्रिय लौंडा है बग सुन लियो। गुरुजी, मैं लौड़क ताही तुस विनती करता हूँ, तैबक मदद कर। वो मेरे एकाए लौड़ा है। मैं तेरे चेलन के बता रहा हूँ कि जग भूत निकार देओ बे निकारे न पाई। ये अविश्वासी और हठीले आदमी, कब तक मैं तुम्हार संग रहे हूँ? अपन लौड़ा की तैलिया सकल ठीक हुई गो। कितनी बढ़िया बात है। के प्रार्थना करन सिखा जैसी यहुन्ना चेलन के सिखाई। जब प्रार्थना करो तो कही आओ, हे हमर पिता तय जो स्वर्गम है, तिर नाव पवित्र मानो जाए, तिर राज आवे, तिर इच्छा जैसी स्वर्गम पूरी होत है उसी जमीनम पूरी होवे। हमर दिन भर की रोटी हमके दे, हमर पापक क्षमा कर, हमू हर एक अपराधी क्षमा करत हैं और हमें परिक्षम जिन लाए, बुराई से बचाए ले। मांगाओ तो तुम्हें मिलेगो, ढूंढाओ तो तुम पाओगे, खटखटावो तो फाटक खुलेगो। जौन कोई मांगत है बिन के दौ जात है, जौन कोई ढूंढत हैं बेपात हैं, जौन कोई खटखटात हैं बिन के ताई फाटक खुलत हैं। तुम्हारे में से कौन ऐसा दौआ है जौनक लौड़ा? मछली मांगत तब वो सांप देत है, जब अंडा मांगत तब बीची देत है। जब तुम बुरे हुई के अपन बच्चन का अच्छी चीज देन जनहाओ, तब स्वर्ग को पिता अपन मांगन वालन पवित्र आत्मा काहे ना देवेगो।
मैं तुमसे कहा था अपन प्राणक चिंता जिन करो हम का खाए हैं नए अपन शरीर की का पहनेंगे बलकुन खानुस प्राण और लतस शरीर बढ़ के है कौन को ऊपर ध्यान दे बाओ बे नाय बोथ हैं नाय काटत ना ही बखारिम धरत हैं तहूँ प्रभु बिन के खवात है तुम चिरंजन्स बेढम बढ़ के कीमती हो तुम ऐसे कौन है जो चिंता करके अपन उम्र के बढ़ाए सकत है जब तुम छोटी चीज के नाय कर पात तो और चीजन काहे चिंता करत फूलन पेड़म ध्यान कराओ बे कैसे बढ़त हैं बिना मेहनत ना सूत काटत सुलेमानव अपन महिमा मुनहानी लत्ता नाय पैंधी रहें अगर प्रभु घासक जो आज है और कल आगिम डूंगी जय है बक ऐसो पैंधा तब वो तुम्हें काहे ना पैंधावै गो हे अविश्वासी हमार विश्वासक बढ़ाए दे अगर तुम्हार विश्वास लाहिक दानक बराबर हुई तो तव जा तू तक पेड़स कहते कि जर से उखड़क समुन्दर में लगी जा तव तुम्हार मान ले तो पाप करवान वाली परीक्षा अनक जरूरी है हाय जौनस परीक्षा आत हैं जौन छोटो में से एक ठोकर खवात है बगता है जा अच्छो हुई है कि चकी एक पटा बघेटम लटकाए समुद्र में फेंक दो जय है प्रभु राज कैसो होत है वो ऐसो है आदमी लाही के एक दाना निकाल रखे तम बोए देत हैं जब वो बढ़ी जात है तब तो चिरैया हंगम घुसला बनाए देत हैं मैं समझ ना पाता वो का कहत है तकाहे चुंगी लेने वाले निकरे भाई आदमी संग खात पियत है जो ठीक बिन के डॉक्टर जरूरत ना आए खाली बीमारन ताही होत मैं धर्मी आदमी ताही ना आया हूँ पापिन मन घुमाना का हूँ राज के बारे में हमें और बता और कछु है छोटो झुंड मत डरावो जक मारे तुम्हार दुआ तुमके राज देन ताही खुशी है अपन धन बेचक गरीबन के बांट देओ अपन ताही ऐसो बटुआ लियाओ जो खराब ना हो वाए और अपन धन स्वर्ग ताही बटोराओ जहाँ घाटा ना होत है हुआ पर कोई डाकू ना पहुँचत हैं और ना ही कीड़ा बक खात हैं जहाँ धन है हुआ तुम्हार मन है बुढ़िया तय बीमारी सच्चो ही गौ देख देख वो तो अच्छी हुईगी जता चंभो है देख वो अच्छी हुईगी आग देख प्रभु 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 की स्तुति हो गए गुरु जी खुशी रहिए हमके काम करनता ही छह दिन है बिन्हे में से एक दिन अच्छो होनता ही नहीं थ्रामक दिन जीनइए अरे उद्यमियों का विश्रामक दिन तुम ऐसे गधा कौर अपन वर्धक सारस कोलक पानी विमान नाले जात है यहाँ अब्राहमक संतान है जौनक भूत 18 साल पकड़े रहे काजक विश्रामक दिन छुड़ान ना पड़ो Thank you.
अच्छा गुरुजी, अनंत जीवन पानक ताही मैं का करूं? मुझ अच्छो काहे कहत है, प्रभु छोड़ कोई अच्छो ना है। आज्ञन जानत है, छिनरई मत कराए, हत्या मत कराए, झूठी गवाही मत देवाए, अपन अय्या और दऊओ की इज्जत कर। मैं जे सब आज्ञन छोटे से पालन करत आओ हूँ। तो के एक और काम करनो है, तय अपनो सब कुछ बेचक गरीबन के बांट दे, और तिरताही स्वर्गम धन है, और आय के मीर पच्छू चल। पर हम बनिया हैं, धनी हैं। धनी आदमी प्रभु के राजम पहुँचनो बेढम मुश्किल है। धनी आदमी प्रभु के राजम जाने ऊँटक सुई के भारस छिर जानो सहज है। तो कौन उद्धार पाए है? जो आदमी ताही मुश्किल होत है, वो प्रभु ताही मुश्किल ना है। प्रभु राज ठीक कहाँ हुई है? प्रभु राज सबके दिखाए कैसे ना आए है, कोई ऐसे ना कहे है। देख इतय है उतय है, जग मारे प्रभु राज तुम्हारे भीतर है। ऐसो समय है कि आदमी लौड़क दिन में जब तुम देखन चाहे हो तो देख ना पाए हो। जैसे बिजली एक छोर से आत है दूसरी छोर चली जात है, आदमी के लौड़क दिन ऐसी हुई है। पहले वो बेढम दुख उठा है और बाकी जवान सब आदमी वक मना कर दे हैं। आकाश और पृथ्वी के हर जानो प्रभु के वचन के एक छोटी सी बात मिट जाने सहज है। जो कुछ तुम देखत हो राजा और नबी आदमी देखन चाहत रहे और बे देख ना पाई, जो कुछ बे सुनन चाहत रहे सुनिन पाई। हम का करें? वचन का कहत है तुम बक कैसे समझत हो? अपन परमेश्वर के पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरे दिमाग से प्यार कर। अपन पड़ोसी अपन हानि प्यार कर। तुम ठीक कहत, ऐसी करो तो जियोगे। मेरे पड़ोसी कौन है? बे सिपाही तो ना है। कैसर ता ना है? एक आदमी यरूशलेम से एरिहो में जात रहे, डाकू बक मारी, लत्ता छीन लई और अधमरा छोड़ दई। तो एक पुजारी उतै साओ, वो आदमी देखक बराए के चलो गओ। बहे डगरम लेवी मंदिर में काम करन वालो आओ, वो अधमरक देखी बहु बराई गओ। फिर उतैस एक सामरी आदमी आओ, तब वो बक देखी बक मन डाह से भरी गओ। वो बक ठीन गओ और बक घाम तेल और दाखरस लगाए पट्टी बांधी। फिर अपन गदम लादक धर्मशालम लई गओ और बक सेवा करी। फिर दूसरे दिन दुई चांदिक रुपया धर्मशाला मालिक के दई और मालिक से देखभाल करन ताही कही, जब मैं घूम कहे हूँ जो खर्चा बक लग है मैं दे हूँ। जे तीन मई से कौन डाकू स्मरो भाव आदमी पड़ोसी हानि मदद करो? जौन भूख मदद करी वह तुम्हू इसी करो। आह छोटे बच्चन मिठी नान देव और विनके मनाजिन कराओ। परमेश्वर का राज ऐसी लोगन खाए। मैं तुमसे ठीक कहा था, जौन की प्रभु राज बच्चन खानी ना मन है वो प्रभु राजम कबू ना जाए पे है। जौन जा बच्चक मिरनाउस मानत है तब वो मुख मानत है, जौन कोई मौके मानत वो मिर पठान बालुक मानत है। तुम ऐसे जौन सबसे छोटो वो सबसे बड़ो है। काफी रहो। वो यीशु नासरी जात है। यीशु
यीशु, हे दाऊद को लौंडा, मेरे ऊपर दया कर दे। मैं तेरे ताही का कराऊं? मैं देखन चाहता हूं। देख, तेरे विश्वास तो के अच्छो करी है। मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं। यीशु मसीह यरूशलेम जात रहे तो डगरम बेढम बड़ी भीड़ मिली। आदमी बासे पूछत रहे कि तय हमें उद्धार की डगर दिखा और प्रभु के राज के बारे में बता। जा आदमी सच में नबी है। मेरे प्रभु, मेरे उद्धार कर। हे प्रभु, हमके बचा, हमके बचा। प्रभु की स्तुति हो भाई। हमके सच्ची डगर दिखा प्रभु। आदमी बग गुरु और प्रभु जान के मानन लगे। यरीहो गांव में एक चुंगी लेन वालो रहे। बग नौ जग कई वो यीशु देखन चाहत रहे और भीड़स अगु जग रुकम चढ़ी। वो चुंगी लेन वालो है। जग कई तरे उतरिया, आज मैं तेरे घर जे हूँ। मेरे घर? बग घर कौन जो है यार? जकई यीशु कैसे जानत है? सुन, मैं अपन संपत्ति साधो गरीबन के देत हूँ। जौन मैं धोखा दो हूँ बक मैं चार गुना लौटा दे। मैं विश्वास ना करता हूँ कि चुंगी लेने वालों टैक्स वापस करे है। आज जा घर में उद्धार आई गो। जहूं आदमी अब्राहम की संतान है। आदमी लौंडा हरानन ढूंढन और उद्धार करना हो। सुनो, हम यरूशलेमक जात हैं। हुआ पर जो कुछ नबी आदमी बताएं वो पूरो ही है। वो अन्य जाति हाथ में सौंपो जे है। बग ठट्ठा उड़े हैं और बग दो ही बने हैं और ऊपर थूकंगे। बग पैना मर हैं और मार डारंगे। वो फिर जिंदा हुई जे है। यीशु जानत रहे कि वो पाप के ताही मारो जे है। तुम वो यरूशलेम की डगर पकड़ी। बक आनस बेढम आदमी खुशी भय और राजा करके चिल्लान लगे। जी अपने चैलेंज चुप रहन का। मैं कहा था कि वे चुप रहे हैं तो पत्थरों बेड़ हम चिल्लान लगेंगे। स्वर्गम शांति और प्रभु महिमा हो भाई।
यीशु यरूशलेम के ढिंगई आओ और जब बग देखी रोए पड़ो। अगर आज एक दिन तय शांतिक डगर जान थी तो तय जान ना पाओ। ऐसो दिन है कि तुक सतान वाले तो के आस पास घेर ले हैं और चारों तरफ से तुक दबाए हैं और जहे भी तम तो के दबाए मार्डर हैं। तय और तिरबाल का बे पत्थर के ऊपर पत्थर रहा ना दे हैं। जग मारे प्रभु तिर ऊपर दयक नजर करी तय जान ना पाओ। आदमी यरूशलेमक पवित्र मंदिर के आराधनक छोड़क बजारक हानि बनाए दई हैं। पाँच छः सात आठ नौ क्या लिखो है? मेरे घर प्रार्थना घर हुई है पर तुम जब डाकू गड्ढा बनाए गए हो। आदमी ये सुकराजा करके चिल्लात रहे जहक मारे धार्मिक अगुआ और नेता आदमी बक बेढम विरोध करी। मैं समखत हूँ कि बेढम आदमी बक राजा मान लई हैं। भिकमंगन छिनरन और डाकुन के राजा ऐसे तो बहुत देख डारे हैं। बेआत बड़ी बड़ी बात बताए चले जात फिर सब भूल जात हैं। अंधरा दिन बनाओ बक पच्चू चलन वाले बेढम बढ़त हैं आदमी बक बेढम मानत हैं। सोच ले एक वो राजा है मैं तो के चितात हूँ अगर जा आदमी शांति का और भंग कर है तो तही जन है। शायद ठीक कहा कलीलियन के सामना करनक जह मौका है। यीशु पंडित और ज्ञानी लोगन के बीच में उद्यमी आदमी विरोध हम बतान लगो तो जौन यहूदी यीशु पिछु चलते रहे वे बढ़ी गए। जौनक वो दोष लगाए बिन की संख्या और बढ़ी गई। जब वो मंदिर में रहे यीशु एक विधवक दुई लोटा भेंट में डारत देखी। जद्धा ना दे पाए है मैं कहा था जा गरीब विधवा सबसे जद्धा डारी है और बाकी आदमी अपन धन बचो बहे मैं से डारी पर जा गरीब विधवा अपन जीवन ना सोची सब कुछ डार दई। हमें बता ऐसे कहन तू कौन अधिकार जा अधिकार कौन दो। मैं तुझसे एक सवाल पूछा बता यूहन्ना के बपतिस्मा का अधिकार प्रभु से है कि आदमी से है? अब हम का कहे? अगर हम कहे हैं प्रभु से है तब वो कहे हैं काहे ना विश्वास करे। कहे हैं आदमी से है तो ये सब हमके पत्थरस मराए ये सब जान गए हैं कि यूहन्ना नबी है। हम ना जानत हैं कहाँ से आओ है तो महू ना बताए हूँ कौन का अधिकार से जा काम करत हूँ। एक आदमी जो अंगूर की बारी लगाई रहे वो बारी कधियम दई के अपन घर से दूर देश हम चलो गाओ। जब फसल कटके तैयार हुई गाओ वो अपन एक टहलुअक
वो अपन हिस्सा लेनता ही बिनके ठीन पठाई बेबक बेढम मारी और खाली हाथ लौटाए दी। फिर वो दूसरे टहलुओं को पठाई तब बहुक बेढम मारी और खूब बेजती करी और खाली हाथ लौटाए दी। फिर तीसरो टहलुओं को पठाई बहुक बेढम घायल करी और फेंक दई। तब मालिक अपने समकी मैं का करूं, मैं अपन प्यारो लौड़क पठाए हूँ। सच में बेबक अच्छो मानेंगे, बेबक आत देखी तब वे आपस में कहाँ लगे। जत मालिक को लौड़ा है जहुक मारे तो सब आपन खुजे है। प्रभु हमें और बता। तब बहुक मारी और अंगूरक बारिश फेंक दई। तब बारिक मालिक जे अधियम लेन वालन शंका करे गो वो आए है और बिनके मारे गो और बारिक दूसरे दई दे है। जा बचन को अर्थ का है जो पत्थर राजमिस्त्री आदमी बेकार बताई रहा है वो सब पत्थरन से अच्छो है। तो जोन जा पत्थर के ऊपर गिरे गो वो चकनाचूर हुई जाए है। जा पत्थर जौन के ऊपर गिरे है वो कुचल जाए है। गुरु हम जानते हैं जो तय बतात और सिखात ठीक है और बिना पक्षपात के व्यवहार करते हैं और आदमिन प्रभु की सच्चाई सिखाते हैं। हमें बता का कैसर राजक टैक्स देनक हमार नियमक अनुसार है कि ना है। होशियार रहो प्रभु वो तो के ठगत है। मुख एक चांदी का रुपया दिखा। जा में कौनक मुंह और नाव छपो है जो राजक है वो राजक देव जो प्रभुक है वो प्रभुक देव। उत्तर का देवोगे। जब अखमीरी रोटी का त्योहार ढींगे आयो बकनौ फंसा है। तो यीशु सिमोन पतरस और यूहन्नक फसह तैयार करन ताही अगुस पठाए दे। मैं दुख उठान से पहले जा फसा खानू तुम्हार संग खान ताही चाहत हूँ। मैं तुमसे कहत हूँ जब तक जकर परमेश्वर राजम पूरो ना हुई है तब तक मैं दोबारा ना खे हूँ। धन्य है तय प्रभु परमेश्वर पूरे संसार का राजा जो पेड़ खंगस फरा लात है। जक ले और आपस में बांट ले। मैं तुमसे कहा था जब तक परमेश्वर को राज ना आया है तब तक ज्यादा आक्रस में से ना पी हूं। धन है तय प्रभु परमेश्वर सारे संसार का राजा जो धरती से रोटी पैदा करत है। जा मेर देह है जो तुमके देत हूं मुख याद करन ताही ऐसी करियो। जा कटोरा मिर खूनक है जो तुम्हर ताही बहाओ गौ जा नहीं बाचा है। पर देखाओ मुख पकड़वान वालों खात मिर संग जा में जम है। आदमी लौड़क मरनो है जैसे प्रभु ठहराई। हाय वो आदमी पर जो न खातस वो पकड़वाओ जय है। जब हुई ना सकत प्रभु वो कौन है। जब मुश्किल है वो बदमाश कौन है प्रभु। हम इसे कौन ऐसो काम कर कौन के बारे में जा बता था का मैं हूँ मैं ऐसो ला कर हूँ।
तुम ऐसे जो बड़ो है वो छोटो होनो चाहिए, जो अगुआ है वो सेवक खानी बनो है। कौन बड़ो है खानक ताही बैठो वो कि जो खानु बांटत है, कि जो खान ताही बैठत बहे। मैं तुम्हार बीचम सेवक खानी हूँ, सब परिचम तुम मेरे संग रही डारे। जैसे प्रभु मुख राज करन ताही अधिकार दई, वैसी महू तुमके अधिकार देत हूँ। मिर राज के मिर मेजम तुम खाओ पी हो। इज़राइल की 12 खानदान के ऊपर तुम गद्दी में बैठक राज करे हो। फिर तो कोई बदमाश नहीं है। सिमोन, सिमोन देख, भूत तुमके परीक्षा करन चाहत है। जैसे धान से भूसी निकरत उसी ये भूत तुमके पटकन चाहत है। सिमोन, मैं तुक ताही प्रार्थना करूं तेरे विश्वास ना घटाए। जब तक दूसराय का है तब तक अपन भैयन मजबूत करिए। प्रभु, मैं तेरे संग जेल जानक तैयार हूँ, मरनौ ताही तैयार। तुझ कहा था पतरस, आज रात मुर्गा बासन से पहले तय 3 दाव मना कर है कि तय मुख ना जानत। मैं तुम्हें बिगर जूता झोरा बटुआ पठाओ, कुछ कमी भाई ना है, कछु ना है। अब है जौन ठीन बटुआ झोरा है वो बक ले ले, जौन ठीन चक्कू ना है वो लत्ता बेचक खरीद ले भाई। मैं तुमसे कहा था जैसी धर्मशास्त्र में लिखो है वो पापी में एक गिनो गाओ, वैसी जो मेरे बारे में लिखो वो पूरो ही है। देख यहाँ दी छुरिया है प्रभु। बस हुई गाओ। और अगुआ आदमी का चेहरे करी कि यीशु कैसे भजा में। तो भूत यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक है बग भीतर घुसी गो। यीशु पकड़वानक ताही वो अगुवन सलाह लई। यीशु यरूशलेम छोड़क प्रार्थना करन जैतून पहाड़म गौर है। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा ना आए पड़ाओ। यहूदा इस्करियोती यीशु 30 चांदी के रुपयम पकड़वाए दई। यीशु जानी गो कि आदमिक पापन ताही मरनक समय आई गो है और वो विनती करी। हे पिता, अगर तय चाहत है जा कटोरा मुँह से हट जाए पर मेरी इच्छा ना आए, तेरी इच्छा पूरी हुई जाए। और स्वर्ग से एक दूत आए बक सामर्थ दे। तो बक पसीना खूनक बड़ी बूंदी हानि जमीनम चुचन लगो। तुम काहे सोथाओ, उठाओ, विनती करो कि तुम परीक्षा ना पड़ाओ।
यहूदा। काते मनुष्य को लौड़ चुम्मा लेके पकड़वाए है। प्रभु का हम छुरिया चला में आओ जग पकड़ाओ। बस रुकाओ, जत अचंभो है का तुम डांगू पकड़न हानी तलवार लाठी लेके आए हो। मैं रोज तुम्हारे संग मंदिर में रहा था तो ना पकड़े। तुम्हारे काम करन समय जा है जब अंधकारक शक्ति राज करत है। जग पकड़ो। भाजन मत दियो। पुलिस बक आंगन में ले गए और बक बिजरो बतकाई कि वो यहूदियन का राजा है। जय है राजू कुर्ता। हमें बता जका होन बालो है का साहब। हमें बचा ले है, हमें बचा ले है। जहुत ईसु के संग रहा। ए भैया मैं बकनाय जानत हूँ। मैं बिनके दूनक देखो। तुम्हारा अच्छो सेवक। हा हा ठाकुर के देखत है कैसो लागत है। हा हा तहु बिन मई से एक है। मैं नाय हूँ। कोई शक ना है जहाँ आदमी ईसु संग रहा है। जक मारे जहु गली रखा है। भाज जा। मैं ना जानत हूँ तय तय का कहत है। ईसु घूमक पतरस घेन सूद देखी तो पतरस याद करी कि प्रभु बस पहले का कही रहे। आज मुर्गा वासंस पहले तय मौके तीन दो मना कर है कि मैं बक ना जानत हूँ। प्रभु मैं विनती करत हूँ जैसी तय चाहत है तय अपन सामर्थ्य महिमा के अनुसार काम कर और हमर पुरखा आदमी तिर वचन के विरुद्ध काम करी तय क्षमा करो। तय बिन के ऊपर गुस्सा करो पर बिन के दुख ना दो। अपने प्यारक बजस और तिरवाचा और कृपाक बजस तय बिन के छोड़ दो। कहो तो कौन मारो। अगुआन वाली बात बता तू कौन मर है। रुकाओ मैं कहा था रुकाओ जब कचहरे में ले चलाओ। चल और यीशु सवाल पूछन ताही अगुआ लोगन की कचहरी भई
हमें बता का तही मसीहा है। अगर मैं तुमसे कहूं तुम विश्वास ना करे हो, अगर तुमसे एक हिसाब पूछो तो तुम मुख ना बताए हो। अब मनुष्य को लौड़ा परम प्रधान परमेश्वर दहिना हाथ घहीन बैठेई गो। कात है परमेश्वर का लौड़ा है? हाँ मैं हूँ। ऐसो अधिकार जब कहनक कौन दो? ऐसो अधिकार जब कौन दो? जा कैसे कात है? दोषी जो जा कहे हम अपन कान से सुने हैं। हम पिलातुस के ठीन बक ले जाए हैं। हाँ जग ले जाओ। पिलातुस के ठीन बक ले जाओ। चल। भेभक पोंतुस पिलातुस जोन रोमी राजन में से बेढम हरामी रहे बहक ठेन ले गए। पिलातुस बेढम आदमी क्रूस पर चढ़ाई। हिया तुम का चाहत हो? इत्तो सवेरे काहे आए? आदमी बिगाड़त है तभी हम पकड़े रहे। मंदिर के बाजार जहाने जा धूम मचात रहा है। बक दंड का हुई है? बक दंड दे बाओ। जग दंड देनता ही मैं कोई कसूर ना पाओ कछु ना है। हम जग दोषी पाए हैं जा अपने मसीहा कहत है। एक राजा और कहत है कैसर टैक्स मत दियो। राजा कहत है? यहूदियन को राजा है तय ठीक कहत है। जा गलीलम शुरू करी रहे और यहाँ आई गौ। गलीली का जा आदमी गलीलक है? ऐसो ही है तो हेरोदेस के हाथ हम छोड़ दें। अब है तो वो यरूशलेम में है कि ना है? हेरोदेस के थिल ले जाओ। तह अपने बारे में का कहत है? जौन तय चेला कहा था वे कौन कौन हैं? बेढम आदमी कहा था अच्छो काम करता है। मुक्ता ही कुछ कर मेरे प्रभु। जा सब आदमी बिगाड़त है वो अपने से कहत है राजा। जा आदमी राजा महाराज जा कस के मारो। जग पिलातुस के ठील ले जाओ। जत बकराज है जा आदमी मौत पानता ही कछु ना करी है। मैं जग पैनस मरवाए छोड़ दे हूं।
तुक जहे त्योहारम एक जेलिया आदमी छोड़न हुई है। छोड़ दे बराबक बराबक हाँ जा आदमी मार डारो। हाँ हमें बराबक दे। क्रूस पर टांगाओ। हाँ क्रूस हम टांगाओ। तुम पैना मारो। कहा देखा था पिलातुस जता यीशु है। परेशान कर जग छोड़ दे हो जा मसीह है। कछु ना करी देखो ठाबाओ। आदमी बेढम चिल्लाए चिल्लाए कहत रहे कि यीशु को मृत्यु दंड दे और बरब्बा छोड़ दे। बरब्बा खूनी और कतली रहे बग बे छुड़ानक चाहत रहे और यीशु को मरवान चाहत रहे तो पीला तुस बिन के हाथम छोड़ दे। सिमोन कुरेनी जी हिया आओ। रस्सी काट देओ। तो जा उठाए आई जा पीछे हट। बक छोड़ दे। प्रभु तक ताही रोत हूँ। प्रभु जग पीले प्रभु। यरूशलेम की भैया रहो मेर ताही मत रोबो। अपन और अपन बच्चन ताही रोबो। बे हरे भरे रूखन संग ऐसी करत हैं तब वे सूखन संग काहन कर हैं। प्रभु तो के मदद कराए। हम तो ताही प्रार्थना करे हैं। हट इते आ इते आ जल्दी आ जल्दी आ सही चल जल्दी आई जा जल्दी चल अगु चल जल्दी चल अगु चल अगु चल जल्दी चल अगु चल। Thank you.
जग उठाओ। हे पिता, इनकी माफ कर जी, ना जानत हम का करते हैं। वो और आदमी के बचात रहे, अपने आप के बचावे। हाँ, अपने आप के बचा ते मसीह है। पुरुष उतर के तरे आ, हमर ताही अचंभो काम दिखा। और यीशुक दुई डांकुन के बीचम चढ़ाए दई, जैसे सैकड़ों साल पहले प्रभु के नबी आदमी बताई रहे। जा बेडम अगठो कुर्ता है। जकीते क्रियो मत, मैं कहा था हम चिट्ठी डाल रहे हैं। तय बेडम किस्मत वालो है, तय जीत गयो। बक मुड़क ऊपर एक तख्ती लगाई, बम लिखो है जा यहूदियन का राजा है। करता है हो देख राजा है तो अपने बचा ले। का तय मसीह ना है, अपने से बची जा और हमहूं को बचा। का तय प्रभु से ना डरात है, जैसी तय
दंड पाओ। वैसी बहु पाई पर वो कुछ ना करी। जब राजा बन के आबैसु तो मोहु दिखिए। मैं तुक सच बतात हूं, आज रात तय मेरे संग सरगम हुई है। दोपहर रहे पूरे देशम अंधियारो ही गो, 3 बजे तक अंधियारो रहो। और मंदिर को पर्दा बीचस पूरा अधमध फटीगा। हे पिता, अपन आत्मा तेरे हाथ हम सौंपत हूं। और पुलिस को कप्तान जो अभाव सब देखी और प्रभु की महिमा करी। प्रभु की स्तुति हो भाई, जाता सच में धर्मी आदमी है। अरमतिया को यूसुफ जो महासभा सदस्य रहे और बिनके कामस खुशी नाय भाव, तब वो पिलातुस के ठिंड आए के आराधनिक दिन आनस पहले सांझक गाणता ही यूसुफ लहास मांग ले। माफ कर, हम अपने प्रभु के पक्ष जात हैं। सब ठीक है, आब आओ, विश्राम को दिन आत है। इतवारक दिन भुकभुको में बेमहकन वाली चीज तैयार करके बक लेके सर में आई गई। बेकवर में इसे पत्थरक लुड़को भो देखी, बेकवर के भीतर गई और यीशु की लाश हुआ ना पाई। तुम काहे जिंदक मरघट में ढूंढत हाओ, हिया नाय है।
वो जिंदा हुई गाओ, याद करो कि वो तुमसे गलीलम कहत रहे कि मनुष्य को लौड़ा पापिन हाथस पकड़वाओ जय है और क्रूस में टांगो जय है, फिर तीसरे दिन जिंदा हुई जय है। पत्थर लड़को पाए हम भीतर गए ताओ प्रभु लहास पाइये नाए का प्रभु लहास गाओ और दो आदमी हमके दिखाई दई बेदिन हानी चमकत रहा हमसे कहीं जिंदक मरघट में तुम काहे ढूंढत हो जता सच है हमरी विश्वास करो हमारी विश्वास कराओ हम मिलके देखे तुम्हू जाग देख ले सर खाली रहे और प्रभु गाओ पता रास्ता है हमारा विश्वास कर यीशु दुई चेलन दिखाई दई बे खुशी मारे अपन संग बारे चेलन ठिन आई गए सच में प्रभु जी उठो है वो सिमोनक दिखाई दई हम बकचीन ना पाए डगरम ना आए जब वो रोटी तोरी तो हम चीन पाए इमाउस गांव में वो हुआ कैसे गाओ तुम्हें शांति मिलाए तुम काहे डरात हो तुम्हार मन में काहे शंका आत है मेर हाथ और पौलिक देखो और देखो कि मैं बहे हूं छुओ तो तुम मुख जान ले एक आत्मक हड्डा बुट्टी ना होत पर मृत सबय है जब मैं तुम्हार संग रहूं तो जहे के बारे में तुमके बताओ रहूं जैसे मूसक नियम और नबियन किताब में लिखो और भजन संहिता में जो कुछ मेरे बारे में लिखो है वो पूरो भाव जहे लिखो है कि मसीह दुख उठे है और मुर्दा में से तीन दिन में जिंदा हुई जय है और बकनाओस यरूशलेमस लई के पापक क्षमा और मन फिराने खबर पूरे संसारम प्रचार करो जाए जहे बातम तुम ही गवाह हो मैं खुद अपन पिता के वायदक निभावंगो ऊपर जब तक सामर्थ ना आए है तब तक तुम सहिरे में रुके रही आओ प्रभु तुमके आशीष दे और संहारे आकाश और धरती सब अधिकार मोके दौ गौ है जहे मारे तुम सब दे समझाए के बिनके सिखावो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाव से बपतिस्मा देवो जो कुछ मैं तुमके बताओ हूँ वो सब बिनय मानन ताही सिखावो और देख मैं संसार के अंत तक तुम्हार संग रहे हूँ आमीन तमाम वर्ष आगु धर्मशास्त्र में अगमवक्ता लिखी रहे कि परमेश्वर पापिन के बचान और बिन के परमेश्वर संग मिलाप करवान मसीह के पठय है येशु ख्रिस्त की जीवन से बेही मुक्तिदाता है कह के दिखात रहे।
जौन के परमेश्वर प्रतिज्ञा करके जा संसार में पठाई रहे। ऐसैया अगमबक्ता लिखी, एक जनी कन्या लौड़िया गर्भवती होवेगी, एक लौड़ा जन्मय है तौ तो उसी भव। परमेश्वर की शक्ति से मरियम गर्भवती भई और येसु ख्रिस्त के जन्म दई। धर्मशास्त्र में ऐसो लिखो रहे कि बाको अचम्म को जलम परमेश्वर को चिन्हा रहे, काहे कि बो लौड़ा मसीह रहे, जौनक परमेश्वर बिनकी लौड़ा कहके कही रहे। जब आदमी येसु के देखी, वे प्राकृतिक और परमेश्वर की शक्ति के देखी, वो आदमी के चंगाई करी और पाप क्षमा दई, तो फिर बिनके अनंत राज्य में बैठन देन के प्रतिज्ञा करी। येसु के दंड को शासन भोगन पड़ो और आदमीन के ताही बलि होन पड़ो। तब वो मरण की शक्ति से बाकी शक्ति जद्दाए कहके दिखानता ही जिंदा भव। येसु मसीह कही, मैं मेरे प्राण चढ़ान और फिर के लेन अधिकार में संग है। बाको जीवन अगम वक्ता आनवारो मसीह के बारे में लिखो जैसो रहे। येसु जीवन परमेश्वर की वचन सत्य और कबू ना बदलन बारो है कहके निश्चित करवाई। खास करके येसु परमेश्वर को वचन है। येसु में हुई के परमेश्वर अपने संसार के मनन के आगू दिखाई दई। येसु अपने कही आकाश और पृथ्वी खत्म हुई जय है, पर मेर वचन कबू खत्म ना हो गई गो। शुरू में परमेश्वर लोग और बैयर के बनाई रहे, कारण वे बाको सामने खुशी से बैठ पामे कहके, पर वे परमेश्वर में भरोसा ना करी और बाको आज्ञा ना मानी। धर्मशास्त्र में ऐसो लिखो है, सभी आदमी पाप करी हैं और पाप की कमाई मरण है, पाप करण वाले आदमी परमेश्वर संग बैठ ना पाए हैं। जैसे परमेश्वर अब्राहम को लौड़ा के बदला में एक भेड़ा जुटाई दई, तैसे आदम की संतान के बदला में मरण ताही येसु ख्रिस्त के पठाए है। वो ऐसो करण को कारण का रहे कि जौन वो के ऊपर विश्वास करेगो वो परमेश्वर के सामने जान पाए है। पत्रुस कही, सबै अगम वक्ता बाको गवाही दई हैं कि बाके ऊपर विश्वास करन बारे सबै बाको नाव से पाप क्षमा पाए हैं। जयग मारे जौन येसु ख्रिस्त के पक्षे है दंड से बचेगो और परमेश्वर संग सदीमान जीवेगो। येसु मर के जिंदा हुई के वो अपन चेलन से कही, मनाई सबै जातिन के बाको नाव में पश्चाताप और पाप क्षमा प्रचार करेगो। येसु जा फिर कही रहे कि बाको चेलन संग रहन ताही सत्य ज्ञान डुरियान ताही और परमेश्वर की डगर में पछुआन ताही पवित्र आत्मा पठावेगो। जब एक पापी बैयर पछताप करके येसु के पछुआन लागी, तब येसु कही, तिर पाप क्षमा हुई गो है, तय मेर में विश्वास करुक मारे तेरो उद्धार भव है। जौन आदमी येसु चेला होन चाहत है ऐसो किस्म को प्रार्थना करके बासे संबंध शुरू कर सकता है। परमेश्वर पिता, तुम धर्मी हो, तुम मो के प्रेम करे के मारे धन्यवाद देता हूँ। तुम्हार विरुद्ध में पाप करो और आज्ञा पालन ना करो में मैं दुखी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरे बदला में येसु ख्रिस्त के क्रूस में मरण पठाए दे, तो फिर वो मरो मैं से जिंदा हुई गौ। मैं करो भव पाप के ताही वो कष्ट भोगी बहक मारे मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हार डगर में लागन चाहता हूँ और येसु प्रभु मेर पाप के क्षमा दैक मारे धन्यवाद देता हूँ और तुम्हार राज्य में सदीमान आनता है डगर खोलेक मारे धन्यवाद देता हूँ। तुम्हार डगर दिखानता ही पवित्र आत्मा पठाए देव कहके विनती करता हूँ। पूरो हृदय से तुमके प्रेम करन और तुमके खुशी पारन वालो जीवन जीनता ही वो मोके शांति देवै और जा संसार के चारे घेन आदमी तुम्हार प्रशंसा करें। आमीन। येसु अपन चेलन के बारे में कही, मिर भेड़ा मिर शोर सुनते हैं और वे मोके चिन्हते हैं और वे मिर पाछू आते हैं। येसु ख्रिस्त के प्रेम करण बारे चेला एक दूसरे से भेंट के बाको उदाहरण होन ताही पछुआन ढूंढत रहे और बाको बारे में और आदमी के बतात रहे। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से येसु चेलन के डुरियात रहे और शक्ति देत रहे जौन बिन की हृदय में बास करत रहे।
स्वर्ग जान बारे में येसु की कहो भव बात बे मन में धरे रहे। स्वर्ग और पृथ्वी में सब अधिकार मोके दौ गौ है। देखो मैं युग की छोर तक सदीमान तुम्हार संग में हूँ।